दोस्तों साथियों जीएसएन अज पहली जुलाई सिंध के तारीख के अहम तरीन डीन में एक ढी आ इन ते वन टुटो हो हाँ यो एडो अहम तरीन ढी छो आ सीनियर सिंधी जेके उन्होंने चंगी तरह खबर आ उन्होंने रुगो यादगिरी जारबी जो नौजवान नसल आ जैसे सिंध के इंदड़ मुस्तबिल जो दारो मदार आ उनके कुछ गाल बुधाय बहूँ तो यो छाजे करे आम जीव आ मुख्तसर में तो जी अस चवंदा रहा हूं तो पाकिस्तान के ठहण शर्त सिंध के सूरन की शुरुआत थी वही ही सिंध के जमीनों से कब्जा थिया सिंध के मिल्कियतों से कब्जा थिया सिंध के कारखानों से कब्जा थिया सिंध की बोलिए ते जबर थो ये सब शूँ शुरू का ही थी व्यू और सिंधी मानून इन आवाज उथारो पाँ वजूद शनाख्त के लिया गाल बन कौम से भी थोड़े घणे फर्क से लागू हुई खास करे बंगाली उए तो सजे नरगो पाकिस्तान पर बरे सगीर की सुजाग कौम हुई उन्होंने कौमी शनाख्त कौमी वजूद के लिए मुतहरक हुआ हुक्मरान का गाल बर्दाश्त कान पे थी उन्होंने वन यूनिट जो मनसूबो ठाओ याने जो हाँ पाकिस्तान आ उन में सिंध पंजाब बलोचिस्तान पख्तूनख्वा इन हैसियत खत्म कर वन यूनिट एक यूनिट मगरबी पाकिस्तान सूबो ठाओ वो बे पास मगरबी ओ मशरकी बंगाल के मटाए मशरकी पाकिस्तान वो इन मनसूबे के खालिक हुजण की दावा कंदड़ जनरल अयूब खान जो चवण आ तो यो मनसूबो इन करे ठायो तो ये जेके कौमुन के बुनियाद ते हक घुरन था पा पांजा इन कौम के वजूद के खत्म कबो न को होंदू कौमू न को यो मसलो थींदो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी उनको यो चवण आ इन बुनियाद ते उन्हें तो एकड़े पास हे असांजी सिंध बलोच पख्तून जी हैसियत खत्म थी वही मगरबी पाकिस्तान ठही वो सिंध सदायण उन महल गुनाह हुयो कानूनी तौर ते बे तरफ उन्होंने यो कयो तो मगरबी बंगाल जो नालो मटाए उनके मशरकी पाकिस्तान कयों जी उनकी शनाख्त खत्म थे बे पास उ अक्सरियत में हुआ उनके बावजूद यो कयो वो तो हाँ बूबा तेरे में पैरिटी थी माना बराबर थी पार्लियामेंट में हर शे में उनके बराबरी दिनी वी पर तारीख पाँजा फैसला जो कंदी उ बंदूक वारे फैसलों का ताकतवर हूँ न तो जिनके हुक्मरानन के ओभर बंगाल जो नालो पसंद न हो वो तस्लीम न पा कन उन्होंने अगत हली बंग्लादेश तस्लीम करणो पो जेके शेख मुजीब रहमान के गदार चवन पा उन्होंने शेख मुजीब रहमान के आज्ञा कई उनके सलूट दिनो लाहौर एयरपोर्ट से तो सिंधी मानू ये जो मुझे शुरू में उन्होंने जातियों थी पे पर सिंधी मानू कस कसर खाने वाला रवादार भी उन्होंने आवाज बुथारो पे पर उन्सा गड हलन भी चाहन पे मामलन से पर जैसे सिंध के वजूद खत्म कर हुक्मरान के या खबर कान ही अज दिन ते न यो समझी सकया तो सिंधी मानू भी हर शे कंप्रोमाइज करे सकन था रियायत दई सकन था पर जैसे सिंध के वजूद सिंध की शनाख्त ते मामलो अचे का हु कंप्रोमाइज का रियायत को छद छदा न कंदा सभी पार्टी बेन मजहब सभी मामलों का मथे थी सिंध के बचा ला उथंदा ये ही सिंधी उठा वनुंट के खिलाफ वह जदोजहद 15 साल हली पहली जुलाई 1970 ते हुक्मरानन के वो वन टोड़ो पो यो भी इतफाक आकड़े जनरल अयूब खान वन टाया सिंध के वजूद खत्म कयो वरी बे जनरल उन जो जानशीन जो हो उनके मानन जे जुदोजहद के आडो अचार फिटा करना पा उन वन टोड़े वरी सिंध बहाल थी यानि सिंध बीहर सिंध के नक्शे ते उभरी आई नौजवान नसल जो उनके मायाब निशानदेही कल अज जिंध असेंबली है
सिंध हुकूमत है, सिंध जो वजीर आला है, उनमें के मामला डिस्कस थन था, तवा असा घुरू भी कंदा तो सिंध असेंबली सिंध के लिए है कानून पास करे। मुझा दोस्तों यो सब कुछ उन वनुट मुखालिफ तहरीक के करे उन नतीजे में आ गाल रिकॉर्ड से अचान घुर्जे तो उ जिदोजहद जीएम सैद हैदर जतुई के क्यादत में सिंध के मोबे वतन मानुन कई ही। पीपल्स पार्टी तो उन मल कान ही पर उन सरबराह जो हो जैसे नाले से हले थी जुल्फकार अली भुट्टो वो पे ढी वनुट के लिए थन्दड़ जिदोजहद के मीटिंग में आयो। बे ते हुक्मरान तरफा उनके इशारो आयो तो तोखे इक्तदार में अचणो आ तो ये कम छदे दे इस्तीफा दई वो आखिरी घड़ी तोड़ी वो वनुट जो हामी रो आखिरी घड़ी ती जो वनुट टुटे पो उन सिर्फ एक दिन अग में उन बयान दिनों तो या असेंबली या जो हुकूमत इनके मिली या उन तहरीक जो नतीजो है जैसे तहरीक सिंध की अलग वजूद के वरी मंजरायो बहाल करायो। हाने जद अस ये कौमी दी याद क्यों था तो उनो मतलब यो हों जिन मानन जी जिदोजहद नतीजे में ये दी दस नसीब थिया उन खराज अकीदत पेश क्यों बो उन अस सबक वूँ तो अज की आईंद की जिदोजहद में असा उन जिदोजहद में कड़ो सबक तो मिले तो जो मुझे पाकिस्तान ठहण से सिंधी मानन के मसलन के खिलाफ जो पाकिस्तान मसला पैदा क्या उन्होंने खिलाफ जिदोजहदू थी अज दिन ते हलन पे मुख्तलिफ तहरीकू हलियन उन्होंने तफसील में नो वा पर हिड़ी अड़ी है जै पो तय कल मकसद हासिल कर यानी वनुन टोड़ाण वनुन टोड़ा आई याड़ी को इशू की सियासत नहीं जिदोजहद नहीं पर रियासती निज़ाम में तब्दीली जी जिदोजहद ही रियासती निज़ाम तब्दील थो तो इन जो सबक ब इन मुख्य असा के सबक मिलन था अज की इंदड़ दौर की जिदोजहद के लिए यो तो हकीकी माना में सही माना में एकड़ी कौमी तहरीक ही यानी कौमी तहरीक माना रुगो सियासत ना है जी अज समझो वे तो भाई सियासी पार्टियों कौमी तहरीक समूरी जिम्मेवारी भी उन्हें आ उन वक्त उनकी क्यादत साईं जी एम सैद हैदरबख्श जतोई जड़ा सियासतदान कन पा पर जिंदगी के बेन सभी शोबन जहाँ मानू शायर अदीब कहानीकार शागिर्दन जो तो जबरदस्त किरदार आ उस्ताद यूनिवर्सिटी का वी प्राइमरी तालीम तोड़ी सहाफी हारी अगवाण ये सब मानू उन तहरीक से शामिल हुआ तो एक सबक यो तो मिले असंखे तो कौमी तहरीक की अगवाणी मुख्य किरदार तो सियासत कंदी पर बेन के उन गड थो पवो बीहणो पवो उन मुख्य सबब यो उन वक्त सिंध दोस्त सिंध दुश्मन के विच में मोबे वतन गदारे विच में लकीर सिंधी मानन चिटी कड़ी छी घर घर झर झंग यो नारो हो तो जीएम सैद हैदरबख्श जतोई मोबे वतन वनुट ठाईंदड़ अयूब खोड़ो अली मोहम्मद राशिदी गदार इन लकीर इन कौमी तहरीक के कामयाबी करण में वो किरदार अदा कर उन वक्त इन पास जो को भी मानू लकीर हुआ पार करे होदे न कंदो ये नो हो तो डी जो वनुन टोड़ जहा मुतालबा कजन मुजाहरा कजन शाम जो वनुट ठाईंदड़ हुक्मरान से गजी महफिलू कजन या उन्हा नंढा नंढा पाँचा मफाद गुरोही जी नौकरियों बया वन ये न हो तो अज वनुट टुटण जो ढी पे जुला असो सबक तो दिए तो इनके एक हकीकी कौमी तहरीक बनायाऊँ सभी मानन के सियासत जो साथ दियण पवो सियासत में गलतियों थी सकन थी जिंदगी के हर शोबे में कोताहियूं थन थी मजहब में भी मसला था पैदा थन तेजे करे उनके दुरुस्त कजे बो दोस्त दुश्मन के विच में लकीर कटे बई पासा न वेजन तो अस अज के दौर में सिंध के मुसीबत का निजात जारे सकूँ था। तहानी मेहरबानी।